गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का SI यूनिट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। अगला क्वेश्चन हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को विद्युत चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर चुंबकीय नति या नमन कोण का मान होता है। तो नमन कोण का मान जो होता है पोल्स पर वो होता है 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजेंटल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट से √3 गुना है, उस स्थान पर नमन कोण होगा। तो नमन कोण का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर V/H होता है, तो V। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट का √3 गुना होता है, तो V कैंसिल बराबर 1/√3। तो tan 1/√3 का मान होता है 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरह का अक्सर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग देख लेंगे। विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड विद्युत चुंबक बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ध्रुव प्रबलता का यूनिट है। तो पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर होता है। निकेल है, तो निकेल एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में किसे त्वरित नहीं किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए μr, तो μr जो है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाता है, चुंबकशीलता कहलाता है। तो फेरो सब्सटेंस के लिए μr का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, μr ग्रेटर देन 1। तो सही ऑप्शन हो जाएगा μr ग्रेटर देन 1। लॉरेंज फोर्स का व्यंजक है। तो स्टूडेंट्स, लॉरेंज फोर्स को वेक्टर एफ द्वारा सूचित करते हैं और इसका व्यंजक होता है क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। इसका सही फॉर्मूला, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा का चुंबक के प्रभाव का खोजकर्ता कौन है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट का जो खोज किया था वो किया था साइंटिस्ट और स्टेट ने। किसने किया था, साइंटिस्ट और स्टेट ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ML²T⁻²² और A²⁻²। स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा कि A के जगह वो I भी दे सकता है, तो ML²T⁻², A²⁻² या I²⁻² होगा। हेनरी यूनिट है। तो हेनरी जो यूनिट होता है वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस का जिसे स्वप्रेरण कहा जाता है, या फिर मैचुअल इंडक्टेंस का SI यूनिट होता है। यानी सेल्फ इंडक्टेंस और मैचुअल इंडक्टेंस को हेनरी द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेना है, दोनों में से कोई एक रहे तो वहीं आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि INET जिसे पीक वैल्यू कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करेंट का पीक वैल्यू शिखर मान कहा जाता है, और IRMS जिसे RMS वैल्यू ऑफ AC कहा जाता है में सही संबंध। तो इसका सही संबंध हो जाएगा IRMS बराबर INET/√2 या फिर INET/√2 IRMS हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ख्याल रहे कि ये ऑप्शन आपको देख लेना है कि अगर IRMS बराबर अगर पूछे तो बराबर INET/√2 हो जाएगा और INET/√2 IRMS हो जाएगा। आपको देख के सही से ऑप्शन मारना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि LR सर्किट का पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर को cos phi द्वारा सूचित किया जाता है और LR सर्किट के लिए इसका पावर फैक्टर का मान हो जाएगा R√R² + ω² × L² होता है। तो cos phi बराबर R√R² + ω² × L² होता है। एक पूरे चक्र यानी फुल साइकिल में अल्टरनेटिंग करेंट का माध्य मान यानी मीन वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि दो मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेंजेंट लॉ तभी लागू होता है जब उनके बीच का कोण होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेंजेंट लॉ तभी लागू होता है जब उनके बीच का कोण
90 डिग्री होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। विक्षेप चुंबकत्व मापी का अधिकतम संभव विक्षेप होता है, तो इसका मैक्सिमम जो विक्षेप होता है वो 90 डिग्री होता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की गति की दिशा होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो गति की दिशा होती है वो वेक्टर ई क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी की दिशा में होता है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड को और बी मैग्नेटिक फील्ड को बतलाता है। प्रकाश का वेग बराबर होता है, तो प्रकाश का वेग को सी द्वारा सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ई बट्टे बी, जहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स सही से ऑप्शन देख लेना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है, अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहे तो वहीं आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ई बटे बी, या तो फिर वन बटे रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए थे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है। जब किसी उत्तल लेंस को जल में डुबाया जाता है तो उसकी शक्ति घट जाती है, यानी उत्तल लेंस को वाटर में डुबाया जाता है तो उसकी पावर घट जाती है। मरुभूमि में मरीचिका, तो मरुभूमि मतलब कि मरुस्थल होता है, और मरीचिका का मतलब होता है कि मरुस्थल में पानी का भर्म होना, यह किस कारण से होता है, तो यह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण होता है स्टूडेंट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका वेवलेंथ घट जाता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घट जाती है या घटती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, वेवलेंथ में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान हमेशा घटता है, अगर वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान हमेशा क्या होगा, घट जाएगा, सही ऑप्शन घट जाएगा होगा। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और उल्टा, क्लास में डिस्कशन किया हुआ स्टूडेंट कि काल्पनिक और उल्टा कैसे बनता है, तो सही ऑप्शन काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा। प्रकाश का रंग का कारण होता है, तो प्रकाश का रंग जो 7 रंग होता है वो उसके फ्रीक्वेंसी के कारण होता है, किसके कारण होता है, फ्रीक्वेंसी के कारण। प्रकाश एक ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग है इसकी पुष्टि करता है, तो इसका पुष्टि ध्रुवन द्वारा यानी इंग्लिश में इसको पोलराइजेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कैथोड रेज होता है, तो कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, कैसा पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, यानी ऋण आवेशित कणों का समूह होता है कैथोड रेज, और एनोड रेज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है यानी धनात्मक आवेशित कणों का समूह होता है। तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आप लोग देख लेंगे कैथोड रेज और एनोड रेज, कैथोड मतलब नेगेटिव और एनोड मतलब पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10^11 कूलम पर केजी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास के अनुपात को ही इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट चार्ज कहा जाता है, तो याद रखेंगे। प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला होता है, तो प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला होता है ML²⁻¹, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैम्डा वेवलेंथ वाले फोटोन का एनर्जी है, तो एनर्जी को ई द्वारा सूचित किया जाता है और इसका पहला फार्मूला होता है h न्यू, एच प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है, और जैसे न्यू को तोड़ेंगे तो SC बटे लैम्डा हो जाएगा, जहां लैम्डा वेवलेंथ है और सी स्पीड ऑफ लाइट है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट देख लेंगे इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 42 क्वेश्चन है, इस 42 में जरूर उम्मीद मैं करता हूं कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, इसीलिए इसे कम से कम एक बार दो बार तीन बार जितना हो आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। परमाणु का न्यूक्लियस में होता है, तो परमाणु के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। प्रोटॉन का खोजकर्ता रदरफोर्ड को कहा जाता है और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जेम्स चैडविक को कहा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे.जे. थॉम्सन है। बीटा कण तेजी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता होता है गामा। तो स्टूडेंट हम लोग डिसीजन कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता गामा रेज का होता है, तो इसका सही ऑप्शन गामा रेज हो जाएगा। डायोड का उपयोग किया जाता है, तो डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है, रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य धारावाहक होता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मुख्य धारावाहक होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य धारावाहक होते हैं हॉल्स होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आप देख लेंगे कि एन टाइप या पी टाइप में मुख्य धारावाहक पूछे हैं या क्या पूछे हैं। नॉर गेट का बुलियन ऑपरेशन होता है, तो पहले और गेट A+B = Y होता है, ये दोनों इनपुट है और ये आउटपुट है, तो नॉर के लिए यहाँ पर बार लगा दिया जाता है, A+B ऊपर बार लग जाएगा।
पहला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है यानी रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है वो क्यूरी होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ब्रैकेट सीरीज का निर्माण होता है, तो ब्रैकेट सीरीज का जो निर्माण होता है वो इंफ्रारेड क्षेत्र में होता है। तो स्टूडेंट्स किस क्षेत्र में होता है? इंफ्रारेड। मैंने बताया था लाइमन बनता है अल्ट्रावायलेट में, बामर बनता है विजिबल रीजन में, और ये तीनों बाकी जो है ब्रैकेट पास्सेन और फुंड सीरीज वो इंफ्रारेड में बनता है। टीवी प्रसारण फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसका मान होता है 30 से 300 मेगाहर्ज फ्रीक्वेंसी के बीच होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 30 से 300 मेगाहर्ज फ्रीक्वेंसी। आई एम मॉडुलन का वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच होता है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो कल एग्ज़ाम में बैठेंगे जो भी स्टूडेंट उसे इस वीडियो से लाभ अवश्य मिले।